भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित मठियानी में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मठियानी नगर पालिका द्वारा निर्मित भव्य रंगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के साथ हमारा धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक संबंध है, जिस संबंध को नेपाल ने कायम रखने का प्रयास हमेशा से किया है। खासकर आज इस मिथिला के पावन धरती पर आकर जो सम्मान मिला वह अद्भुत व हृदय शीतलता की तरह है। नेपाल इस समय विकास के पटल पर अपने आप को स्थापित करने को लेकर प्रयत्नशील है। नेपाल के हर क्षेत्र को विकास की रूपरेखा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। नारी सम्मान को ध्यान में रखकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हम सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। बेटियों के उत्थान के लिए शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर सोचने की आवश्यकता है। नेपाल सरकार कई ऐसे अभियान पर काम कर रही है। वहीं प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ने कहा, आज इस सुदूर इलाके में नगरपालिका द्वारा भव्य खेल मैदान का निर्माण किया जाना नेपाल में हो रहे विकास का परिचायक है। नेपाल सरकार लगातार पूरे तन्मयता के साथ नेपाल के विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रही है। हमारा पहला प्राथमिकता में सुदूर ग्रामीण व शहरी इलाकों का विकास करना है, जिस पर हम लगातार प्रयासरत हैं। दूसरी तरफ इस खेल मैदान के निर्माण हो जाने से नेपाल व पड़ोसी राष्ट्र भारत के खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन होगा। खिलाड़ी इस खेल मैदान में अपने कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। बताते चले कि मठियानी नगरपालिका द्वारा 1,30,00,000 की लागत से बने रंगशाला का राष्ट्रपति ने उद्घाटन किए। तत्पश्चात सभा का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। स्वागत भाषण मठियानी नगरपालिका के मेयर हरि प्रसाद मंडल ने किया। उक्त रंगशाला में क्रिकेट, फुटबॉल समेत अन्य खेल का आयोजन होगा, जिसमें 20,000 से अधिक दर्शकों का क्षमता रखा गया है। इस अवसर पर मठियानी नगरपालिका समेत कई संगठन द्वारा राष्ट्रपति को उपहार भेंट कर स्वागत किया गया। नेपाल के लोक नृत्य कलाकारों द्वारा स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम को प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख हरिशंकर मिश्र, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद सदस्य महंत ठाकुर, सांसद सह पूर्व मंत्री चंदा चौधरी, विधायक अभिराम शर्मा, रानी शर्मा, जिला समन्वय समिति महत्तरी के प्रमुख सुरेश प्रसाद सिंह समेत अन्य गण्यमान्य लोगों ने भी संबोधित किया। नारी जगत भनेको आधा आकाश भनेर भनिन्छ। मलाई मैले तपाईँहरूलाई खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2 नम्बर प्रदेश सरकारले नारी उत्थानको लागि, छोरी विकासको लागि, त्यो छोरी जन्मिँदाखेरि पनि दुःख भएको महसुस गर्ने पनि अन्धविश्वास हाम्रोमा छ, त्यो कुरालाई चिर्नको लागि छोरी बचाऊ अथवा बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम मैले आफै पनि यहाँ सुरुवात गरेको हो र मैले भने यसलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। र बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम बिमा र त्योसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अझै अगाडि बढाउनुपर्छ र केन्द्र र प्रदेशको यसमा तालमेल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो कार्यक्रम हो। अघि भनिएका कतिपय अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारलाई हटाएर देशको चौतर्फी विकास, सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि छोरीहरूको सर्वाङ्गीण विकास हुनु आवश्यक छ। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई 2 नम्बर प्रदेशमा सुरु गरेको छ र देशभरि पनि सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि मुख्यमन्त्रीको पनि उपस्थिति छ, म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमको नेतृत्व गरेकोमा म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै पनि धेरै हामीले शैक्षिक सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर यो जुन ज्ञानभूमि तपोभूमि ऋषि महर्षिहरूले त्यत्रो ठुलो चाहिँ योगदान दिएको हाम्रो भूमि, त्यो खालको जुन हाम्रो इतिहास छ त्यो कुरालाई हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै फेरि पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरू सबैलाई विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यी अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता र आभार मठियानी नगरपालिका तथा मठियानी नगरवासीका तर्फबाट। अत्यन्त वस्तुनिष्ठ, प्रभावपूर्ण र प्रेरक सम्बोधन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको। मठियानीवासीका लागि यो प्रेरणा
विकास निर्माण लगायत का महत्वपूर्ण काम मूर्त रूप में पाने अपेक्षा विश्वास भी कर सकता। अब कार्यक्रम को अंत्य में हमी आइसकेका छौं र कार्यक्रम को यह अंत्य औपचारिक समापन पछि